तो दोस्तों संडे के फंडे देने वीरूपा जी और मैं आ गए हैं आपके सामने एक बार फिर ऑन पावर प्ले विद चैंपियंस। और आज के एपिसोड में दो मैचेस की प्रेडिक्शंस होंगी भाई। सबसे पहले हैदराबाद वर्सेस मिष्टी मिष्टी कोलकाता और उसके बाद द टॉप फेसेस द बॉटम यानी के मुंबई और पंजाब। तो दोस्तों गेम बहुत सिंपल है, आपको क्या मिलेंगे 6 सवाल जिसमें से आपने 3 सही प्रेडिक्शंस कर ली तो चांदी ही चांदी भाई, यानी कि मिलेंगे शोर शॉट इनाम और जितना ज्यादा खेलेंगे उतने आपके चांसेस बनने लखपति के। और इस एपिसोड में तो सबको मिल सकता है आरपीएम ट्रेडमिल्स। वीरूपा जी आर यू रेडी टू गो? तो आप भी मेरी तरह फिट हो सकते हैं। बिल्कुल वीरूपा जी की तरह फिट हो सकते हैं और फिट हो जाइए, रेडी हो जाइए। पहले मैच का पहला सवाल, हु विल स्कोर मोर रन्स, जॉनी बेस्टो और डेविड वॉर्नर? वीरूपा जी हमेशा होता है कि पहले कौन कहता है बाद में कौन कहता है, मैं 3-1 बोलूंगा, हम बोलेंगे टुगेदर एट द सेम टाइम। 3-2-1 डेविड वॉर्नर। देखिए अब आप लोग जान चुके हैं मैं वो नहीं कहता हूं जो वीरूपा जी कहते हैं, ये हम पहले से स्टडी कर आते हैं पहले से इसका अनुमान हम लगा कर आते हैं भाई। गेम है, टूर्नामेंट है, स्टैट्स है, फिगर्स है, 300 मैच होस्ट करने का अनुभव है और सर मानते ही नहीं है। और ये जो हमारी लीडर बोर्ड है, हमारी प्रेडिक्शन है, ये कितनी करीब 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 आती है वीरूपा जी, मैं आपके करीब आता हुआ। ये 300 मैच होस्ट करने का अनुभव तो ठीक है, बट वो होस्ट आपने किए किसके साथ है ये भी तो एक पॉइंट है। वहाँ दो दो एक्सपर्ट बैठे होते थे क्रिकेट के, तो दो बारी ज्ञान देते थे आपको। सर एक बारी तो ये देते थे, याद है आपको? इससे ज्ञान मिलता नहीं था सर, ये जो शख्स थे तो ऐसे करते थे उनसे कमर टूट जाती थी सर। दूसरा सवाल आपके सामने, पूछेंगे पहले बड़े भाई से, बैट्समैन सामने जिनकी फेवरेट शॉट 4s and 6s, क्या लगता है सर दोनों टीमें कंबाइंड मिलाकर कितनी बाउंड्रीज यानी कि चौके और छक्के मारेंगी, क्या लग रहा है आपको? दोनों टीमें बाउंड्रीज मारने में सक्षम है, दोनों में प्लेयर बहुत अच्छे हैं जो बाउंड्रीज मारेंगे। बेस्टो हैं, वार्नर हैं, विलियमसन हैं, पांडे जी हैं, उधर शुभम गिल हैं, त्रिपाठी हैं, मॉर्गन हैं, डीके हैं और एंड्रू रसल हैं जी। तो मुझे लगता है कि दोनों टीमें मिलाकर लगभग 45-50 के करीब बाउंड्रीज मारेंगी इस मैच में। यही तो बनाता है सवाल को इंटरेस्टिंग सर। अच्छा, क्योंकि ये है स्लाइडर सवाल। ओ, यहाँ पर एग्जैक्ट अनुमान लगाना पड़ेगा सर, यहाँ पर 19-20 नहीं चलेगा। वीरूपा जी 45 के 50 क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ 43 कह रहे हैं सर। आई विल से 36, स्वीट स्वीट 36। मुझे लग रहा है सर कि बॉलर जो है अपना कमाल दिखाएंगे और कंबाइंड सर उतने बनेंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है भाई, हाउ मेनी बाउंड्रीज विल बी हिट इन दिस मैच? 0 to 100 के बीच में रेंज क्या है आपका अनुमान? स्लाइडर का सवाल, उंगली उठाइए, क्लिक ऑन द स्लाइडर एंड पुट इट ऑन द नंबर दैट यू थिंक इज राइट फॉर यू, होना चाहिए एकदम सही। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर और ये तीसरा सवाल है हेड टू हेड यानी कि कौन जीतेगा, आमना सामना हो रहा है। वीरूपा जी कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि हैदराबाद जीतेगा। होल्ड इट, वी कैन होल्ड इट टुगेदर, बट नो सर, नो सर, नो सर, वी हैव चोजन आवर टीम्स। वीरूपा जी को लग रहा है हैदराबाद, आई एम सेइंग कोलकाता, आपको लग रहा है? लैग नहीं है, कुछ नहीं होता, बटन दबाइए। हु विल विन द मैच, हैदराबाद और कोलकाता? गो फॉर दिस, गो फॉर दिस, दिस दिस इज द वन यू वांट, यू वांट कोलकाता, यू वांट मिष्टी दोई। ज्यादा सैम की सुनना नहीं है, सिर्फ नाम ही सैम प्रभु है, काम इनके प्रभु वाले बिल्कुल नहीं है। कम टू माय साइड, कम टू माय साइड बेबी, कम टू माय साइड। सर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, दूसरे मैच की बात करेंगे यानी कि टेबल टॉपर्स और जो थोड़े थल्ले थल्ले हैं यानी कि मुंबई और पंजाब की। वीरूपा जी यहां पर इस मैच के अंदर सवाल पूछने से पहले कहना पड़ेगा कि जो भी पंजाब को इस गेम के अंदर बैक करेगा बहुत ही ब्रेव होगा। बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ब्रेव डिसीजन लेना पड़ता है सैम, क्योंकि कभी कभी जो नीचे वाली टीम है ना ऊपर वाली को सरप्राइज कर देती है। इस मैच के अंदर यानी कि एक तरफ रोहित शर्मा की पलटन और दूसरी ओर बल्ले बल्ले थल्ले थल्ले रहते हुए पंजाब की टीम, कितनी विकेट्स मुंबई लेगी इस मैच के अंदर सर, क्या लग रहा है आपको? 6 की एवरेज है मुंबई के बॉलर्स की, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, बुमराह साहब है, पैटिंसन है, 6 से ज्यादा ही लेंगे, चिंता ना कर दो। चिंता नहीं सर, नहीं चिंता तो सर पंजाब करेगी अगर ये हो जाता है, क्योंकि वो पंजाब तो 6 से ज्यादा विकेट हर टीम को दे ही रही है, दे रही है सर, गिफ्ट कर रही है, गिफ्ट कर रही है। सर कह रहे हैं कि ज्यादा लेंगी 6 से ज्यादा, आई एम सेइंग द अदर वे, लेस देन 6, बट व्हाट आर यू सेइंग, इज लेस मोर और मोर इज मोर? हाउ मेनी विकेट्स विल मुंबई टेक इन दिस मैच, विल इट बी लेस देन 6 और 6 और मोर? बढ़ाइए अपना स्कोर, लगाइए सही अनुमान, 3-6 में से 50% की एवरेज चलेगा उतने में। पर सर एक टीम है इस टूर्नामेंट के अंदर जिसने 13 साल से अपने कोर को इंटैक्ट रखते हुए इस टूर्नामेंट में हल्ला मचाया है कि जब ये पलटन आती है सामने
तो ये दुनिया हिलाने का वादा साल ब साल करते रहते हैं, ये क्या है स्पेशल इस टीम के बारे में और जो प्लेयर्स बैक करते हैं कि हर एक बारी चुनौती देते हैं, आते हैं, चैंपियंस बनते रहते हैं। देखिए, एक चीज़ अच्छी की है, वो अपने कोर प्लेयरों को हिलने नहीं देते कहीं भी। दूसरी टीमों में क्या होता है कि उनके कोर प्लेयर चले जाते हैं, वो ट्रेड कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी टीम है जो अपने इन कोर प्लेयरों को पकड़ के रखी हुई है और जाने नहीं देती है। तो और हर साल बेहतर करती रहती है। जो कमियाँ होती है ना, जैसे ओपनर की कमी थी तो डिकॉक को ले आए, फास्ट बॉलर की कमी थी तो वहाँ पर पैटिंगसन और बोल्ट को ले आए, तो वो कमियों को भरते रहते हैं हर साल। और दूसरी टीम में क्या है कि वो सोचती है उसके पास ये, उसके पास वो है, तो वो अपने ही प्रॉब्लम में फंसी रहती है। बट ये अपनी कमियों को धीरे 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 भरते हुए आगे निकलते, इसलिए तो शायद चार बारी चैंपियन बने हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको यहाँ पर बता दें कि आज वीरूपा जी जो मतलब जिस तरीके के अनुमान लगाते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, अपना बहुत शानदार काम करते हैं, आज वो सबको बता देंगे कि वो क्या करना चाहिए पंजाब की टीम को, वो एक ऐसी चीज जो पंजाब करे ताकि वो आगे बढ़े टूर्नामेंट के अंदर। वीरूपा जी प्लीज, इट्स ऑल योर्स। एक ही चीज ना, एक ही चीज, दुआ। दुआ, बस दुआ कीजिए कि आप आगे बढ़े, नहीं तो बुआ आ जाएंगे। Who will win this match between Mumbai and Punjab? वीरूपा जी क्या कहेंगे आप? मुंबई। सर ये तो मतलब ये नहीं कह सकते कि मैं आपको कह रहा हूं, पर नहीं सर, आई टेल यू व्हाट, आई विल मेक इट इंटरेस्टिंग। आई मेक इट इंटरेस्टिंग सर, मैं चाहता हूं कि सर लोग भूले ना कि एक पंजाब की शान है, आन है और आपकी पुरानी टीम है, सो आई विल बैक पंजाब सर। मुझे लग रहा है कि पंजाब माइट हैव दिस अपर कट दैट दे कम इन दिस मैच एंड दे माइट टेक डाउन द माइटी पर्पल्स। बैक किया सैम, इसी प्रोग्राम में मैंने कितनी बार पंजाब को बैक किया, हर बार निराशा ही हाथ लगी, इस बार तू करके देख ले। जस्ट फॉर यू सर, ओके, just for you I will take Punjab. Thank you sir. Aapki purani team. I love you. I'm feeling I love you too sir. I really do. Aarti bhabhi we miss you. Baba swag. Lockdown ke baad jo hai na aap ekdam fit lag rahe hain. Ye kya raaz kya hai iska sir? What are you doing? Sir bahut dieting ki hai, bahut fitness ki hai, bahut dauda hu, bahut chala hu, bahut weight training ki hai, tab jaakar thodi fitness haath lagi hai. Ji. Teri tarah nahi. सर आप पैदाइशी फिट नहीं सर, ये आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, मैं इंटरमिटेंट ईटिंग करता हूं। हमारा फर्क और डिफरेंस सिर्फ ये है। लेकिन आपके लिए एक फिटनेस से जुड़ा हुआ सवाल जो आपकी लाइफ में फिटनेस जो है वो भर के ला सकता है, लेकिन हम बताने से पहले दिखाएंगे आपको, ये देखिए। There you have it. How can you play Fit Wars, the fitness game? Two options आपके सामने, connecting any treadmill or connecting RPM fitness treadmill. ये बहुत ही मुश्किल सवाल है वीरूपा जी, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि connecting any treadmill. Any treadmill. I was feeling the same too, वीरूपा जी. और आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सब वीरूपा जी अपने घर लेकर जा रहे हैं। वीरूपा जी ये ट्रेडमिल तो मैं लेकर ही रहूंगा, आप ले जाइए। आई कैन टेक इट, थैंक यू। कहते हैं बाद में खुद लेके जाते हैं। इट्स व्हाट टू से ऑन टीवी, इट्स व्हाट टू से ऑन द ऐप। लेकिन यहाँ पर भाई छह सवाल उड़ जाते हैं पाजी, सवाल हैं? आते इसलिए ना उड़ने के लिए, उड़ने के लिए। हमारे भी उड़ने का वक्त हो गया सर, उड़ते हुए जाएं। लेकिन उड़ते हुए आपको बता दें भाई कि अगर आपको जानना है कि आप कितने पानी में है, कहाँ तक है आप, तो भाई मैचेस के बाद अगली सुबह 9 बजे जाइए पावर प्ले चैंपियंस के पेज पर और जानिए कैसा खेल रहे हैं आप, व्हाट इज योर परफॉर्मेंस बीन लाइक टिल नाउ, लीडर बोर्ड पे कितने पॉइंट्स बढ़ते हुए, और एंजॉय करते रहिए पावर प्ले विद चैंपियंस। टिल देन चैंपियन वीरूपा जी एंड मी सैम सेइंग गुड बाय, एंजॉय योर संडे, रिलैक्स, मस्ती कीजिए एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर यार। भविष्यवाणी भव गुरुदेव।